हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों इससे बेहतर कहीं नहीं, आज है 2 सितंबर और आज हम लोग 2 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इसमें हम लोग राज्य विशेष और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं अगर वो आते हैं तो उनको हम लोग पूरी तरीके से व्याख्या करते हैं दोस्तों, ताकि जो मेन मेन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आपको डेली के डेली रिपीट होते रहें और आपको तैयार भी होते रहें। तो अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। डेली के जो करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं PDF, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। हमारे डेली के कुछ क्लास कार्यक्रम है दोस्तों जो डेली के डेली चलते हैं, आप लोग आइए और इस क्लास को ज्वाइन करिए। स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? वो थे दोस्तों डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया है जो 84 साल के थे। भारत रत्न से भी ये सम्मानित थे, पूर्व राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी, जिनका 31 अगस्त 2020 को आर्मी RR यानी कि रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश से लेकर के रक्षा, वित्त, वाणिज्य मंत्री आदि की भूमिका निभाई। प्रणब मुखर्जी ने 1969 में कांग्रेस के जरिए सियासत की दुनिया में कदम रखा था दोस्तों, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है, पूर्व राष्ट्रपति भी थे और भारत रत्न से भी सम्मानित थे, तो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन, अस्पताल में ले लिया अंतिम सांस, थोड़ी सी कुछ न्यूज टाइप में है। पहली बार राज्यसभा का सांसद बने 1972 में, केंद्रीय मंत्री बने 1973 में, कैबिनेट मंत्री जो है बने दोस्तों 1984 में, लोकसभा सांसद बने 2004 में, ठीक है। भारत रत्न कब मिला? तो अभी 2019 में मिला था। पद्म विभूषण 2008 में मिला था। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार 1997 में मिला था। सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का जो है पुरस्कार 1984 में मिला था। राजनीति के दादा इनको कहा जाता है। 1972 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने, 1973 में इंदिरा गांधी सरकार में ये उप मंत्री बने, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें जो है आपको दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। रक्षा मंत्री बने, विदेश मंत्री बने, वित्त मंत्री बने और 2012 में ये 13वें राष्ट्रपति बने। 2017 में इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा जो प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1 रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है, 1 रुपए का जुर्माना। 1 रुपए का कोई वैल्यू नहीं होती है दोस्तों, ये सांकेतिक होती है, ठीक है, सांकेतिक जुर्माना बोलते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी मान हानि हो, ठीक है, थोड़ी सी मान हानि हो कि हाँ इन पर जुर्माना लगा, इन्होंने अवमानना की, सांकेतिक होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 31 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण को 1 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। ये जाने माने वकील हैं और एक्टिविस्ट हैं प्रशांत भूषण, उनको अदालत की अवमानना का दोषी जो है दोस्तों पाया गया था। तो प्रशांत भूषण को जुर्माने की रकम जमा करने के लिए 15 सितंबर तक का समय भी दिया गया है। अगर जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 3 साल की जेल होगी, ठीक है, या फिर 3 साल तक वकील के तौर पर काम करने की सजा भी दी जा सकती है, ठीक है। चलिए तीसरा जो प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी यानी कि JJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों अजय सिंह चौटाला को, ठीक है, अजय सिंह चौटाला को दोस्तों जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चौटाला को अध्यक्ष बनाने का फैसला पंचकूला में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में ये लिया गया था। तो अजय चौटाला दोस्तों पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत देवीलाल के पोते हैं और जजपा के सह संस्थापक हैं। तो पार्टी की जो स्थापना हुई वो दिसंबर 2018 में की गई थी। इस बैठक में अजय चौटाला के बेटे और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जजपा की हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी मौजूद थे, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि लेबनान के प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है? ठीक है, तो वो है मुस्तफा अदीब, ठीक है, लेबनान में।
तो लेबनान में सोमवार को दोस्तों प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद देश के जर्मनी में जो राजदूत हैं वो हैं मुस्तफा अदीब, और उनको नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। वो लेबनान में एक नई सरकार बनाने की पहल करेंगे। लेबनान के राष्ट्रपति ने मुस्तफा अदीब से 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद नई सरकार बनाने के लिए कहा है। ठीक है, तो लेबनान की जो राजनीतिक और संप्रदाय व्यवस्था है उसके तहत केवल एक सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री का पद संभाल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको आपको जानने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है लेबनान, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि ये कौन सा एरिया है। ठीक है, तो लेबनान है, राजधानी और सबसे बड़ा नगर है वो है बेरूत, मुद्रा है लेबनानी पाउंड, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पांचवा प्रश्न है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है? तो वो किया गया है भारत एवं रूस को। ठीक है, किसे किया गया है? भारत एवं रूस को विजेता घोषित किया गया है। तो 30 अगस्त 2020 को दोस्तों पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीत कर इतिहास रच दिया है किसने? भारत ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शतरंज ओलंपियाड जीत करके इतिहास रच दिया है भारत ने। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, जबकि रूस ने इसे 24 बार जीता है। ठीक है, 18 बार सोवियत संघ जब पहले सोवियत में था, उसके बाद जो है 6 बार। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज महासंघ है फिडे ने कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड करवाया था। तो ऑनलाइन करवाया, तो इसमें भारत ने बाजी मार दी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, रूस है कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी, मॉस्को है, जो प्रेसिडेंट हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, और करेंसी है यहाँ दोस्तों कौन सी? रशियन रूबल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी याद रखनी है। ब्रिटिश ड्राइवर हैं दोस्तों लुइस हैमिल्टन, उन्होंने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम कर दी है? तो वो है बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स। ठीक है, बेल्जियम के ग्रांड प्रिक्स है, किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने, और वो ब्रिटिश ड्राइवर हैं। ठीक है, चलिए, तो शुरू से आखिरी तक अपनी बढ़त बनाए रखकर यहाँ बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीता, उन्होंने करियर का 89वां खिताब भी जीता है। हैमिल्टन ने 7 रेस में यहाँ 5वीं जीत है दोस्तों। चैंपियनशिप में उन्होंने बोटास पर 47 अंक की बढ़त हासिल की। लुइस हैमिल्टन का जन्म 7 जनवरी 85 को हुआ था, ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ब्रिटेन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टाई म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों गुजरात। ठीक है, अभी मोदी जी ने मन की बात में टॉय वाई की बात की थी, खिलौना बनाओ, तो वो जो है कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? गुजरात में जो है वो शुरू भी हो गया। ठीक है, तो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टाई म्यूजियम बनने जा रहा है, इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत जो है दोस्तों इसे बनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के कुल 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे, और इसका उद्देश्य क्या होगा कि बच्चों को खिलौने के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार, महापुरुषों आदि से परिचित कराया जाए और भारतीय संस्कृति का दर्शन भी कराया जाए। ठीक है, तो ये है दोस्तों गुजरात। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैपिटल है वो गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात में वो 33 हैं। गवर्नर है दोस्तों यहाँ के आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, लेजिस्लेचर जो है वहाँ यूनिकैमरल एक सदनीय है, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में कुल 26 सीटें हैं, हाई कोर्ट है दोस्तों यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना में देखें तो माही नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना गुजरात में है, उसका नाम है कदाना झील जो है। नल फरोवर काफी इंपॉर्टेंट है जो कि गुजरात में है। राष्ट्रीय उद्यान में देखें तो ब्लैक बक और गिर और मैरीन, तो गिर बहुत ही फेमस है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ब्लैक बक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैरीन भी जो कच्छ की खाड़ी में है, तो तीन ही हैं, वो ज़्यादा नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। जनजाति में देखते हैं भील, बंजारा, कोल, डबला और खारी, तो इसमें से भील हैं और बंजारा है, कोल हैं, ये दो तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आप एग्जाम में आते हैं। हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा की एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है? तो वो कौन है दोस्तों? पंजाब सरकार ने। ठीक है, कोविड 19 महामारी से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दोस्तों कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई थी।
केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, कृषि आय को दुगुना करने लक्ष्य प्राप्ति हेतु इन सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा के साथ साथ कुछ कानूनी सुधारों की भी दोस्तों इसमें घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैप में जो दिख रहा है ये है दोस्तों पंजाब। कैपिटल जो है दोस्तों वो है चंडीगढ़ है, लार्जेस्ट जो सिटी है वो लुधियाना है। गवर्नमेंट में देखें तो गवर्नर हैं वीपी सिंह मंडोर, चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेजिस्लेचर यहाँ भी यूनिकैमरल है, कुल 117 सीटें हैं। लोकसभा में यहाँ से 13 सीटें और राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें जाती हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखें तो पोंग है, भांखड़ा है, शाहपुर कंदी है और देहर है। इसमें से जो भांखड़ा वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट की है। दूसरे नंबर पर पोंग वाला है जो कि ब्यास नदी पर है, उसके बाद आता है ये देहर वाला जो ब्यास नदी पर है, ठीक है। तो ये आपका शाहपुर कंदी ये है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका भांखड़ा वाला है जो सतलज नदी पर है। नौवां जो प्रश्न है किस संगठन द्वारा अपने पेंशनरों के लिए मोबाइल ऐप पेंशन कार्नर बनाया है, तो वो है दोस्तों CIFF, ठीक है। तो पेंशन कार्नर दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CIFF द्वारा बनाया गया एक एंड्रॉयड आधारित इन हाउस मोबाइल ऐप है। CIFF के जो महानिदेशक हैं राजेश रंजन, आपको ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट है, उनके मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया है। ऐप का इस्तेमाल अपने सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ साथ संपर्क में रहने के लिए किया जाएगा ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। पेंशनर्स देश भर में फैली CIFF इकाइयों से संबंधित होंगे और निकटतम इकाई में महत्वपूर्ण ऑफरों पर SMS पर निमंत्रण भी प्राप्त कर सकेंगे। तो सभी महत्वपूर्ण परिपत्र जैसे कि नौकरी के अवसर, पेंशन भोगियों से संबंधित लाभ भी इसी एंड्रॉयड ऐप का उपयोग करके दोस्तों प्राप्त किया जा सकता है। तो पिछला प्रश्न था दोस्तों रक्षा मंत्रालय बेंगलुरु में एयरो इंडिया की मेजबानी कब करेगा, तो वो करेगा दोस्तों 3 से 5 जनवरी में। सभी लोगों ने आंसर दिया, बहुत सही सही आंसर दिए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दोस्तों। तो अगले साल 3 से 5 फरवरी में एरो के अगले प्रसंस्करण की मेजबानी करेगा दोस्तों। इसमें एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी माना जाता है। एरोस्पेस प्रदर्शनी दोस्तों 1996 में शुरू हुई थी और हर साल बेंगलुरु द्वारा इसकी मेजबानी की गई। एक द्विवार्षिक एरो से शो है दोस्तों उड्डयन प्रदर्शनी का आयोजन बेंगलुरु के एलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया जाता है। जो इसका आयोजन है रक्षा मंत्री प्रदर्शनी संगठन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना अंतरिक्ष विभाग केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसे संगठन क्या करते हैं इस प्रदर्शन में भाग लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए है कि वैश्विक सूची में औसत मासिक वेतन के मामले में 106 देशों में भारत को क्या रैंक मिला है, ठीक है। औसत मासिक वेतन के मामले में, ठीक है, भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये है आपके ऑप्शन दोस्तों। इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करने हैं। आपके आंसर बिल्कुल हमें मिलते रहते हैं, कुछ हमारे साथी हैं जो बिल्कुल कंटिन्यू लगे हुए हैं और यकीन मानिए उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी आने वाले एग्जाम में ज़रूर होगा दोस्तों। तो हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।